दिल्ली की क्रांति की खबर देश के कोने कोने में कैसे पहुंची, इसे एक अंग्रेज लेखक के शब्दों में ही कहना ज्यादा प्रामाणिक होगा। गदर का एक आश्चर्यजनक पहलू ये था कि दूर दूर के स्थानों में सभी महत्वपूर्ण खबरें बड़ी तेजी से और प्रामाणिक रूप से पहुंच जाती थीं। खबरें ले जाने का काम ज्यादातर हरकारे करते थे, जो इतनी तेजी से चलते थे कि हमें विश्वास ही नहीं होता। यही कारण था कि दिल्ली की स्वाधीनता की खबर नाना साहब को 15 मई 1857 को मिली और कानपुर में अंग्रेजी सेना के सेनापति ह्यू व्हीलर को 18 मई को, यानी पूरे 3 दिन बाद। बिठूर में उस समय नाना साहब के दरबार में उनके दो भाई बाला साहब और बाबा साहब, नाना साहब का भतीजा राव साहब, अजीमुल्ला खां और प्रसिद्ध मराठा सेनापति तात्या टोपे मौजूद थे। दिल्ली की क्रांति की खबर जब कानपुर में फैली तो हिंदुओं और मुसलमानों की सभाएं होने लगी। धीरे धीरे स्कूलों के लड़के, बाजारों में आम लोग और गली मोहल्लों में भी स्वतंत्रता क्रांति की बातें शुरू हो गईं। छावनी में सिपाहियों में भी क्रांति की गुप्त बातचीत शुरू हो गई। फिरंगियों के खिलाफ उनकी बाहें फड़कने लगी, लेकिन नाना साहब 31 मई तक कुछ भी नहीं करना चाहते थे। उधर अंग्रेज सेनापति व्हीलर को पूरा विश्वास था कि नाना साहब तो अंग्रेजों का ही साथ देंगे। इसी उम्मीद से उसने उन्हें संदेश भेजा कि वो आएं और कानपुर की रक्षा में मदद करें। लेकिन दूसरी तरफ व्हीलर ने अपनी रक्षा के लिए गंगा के दक्षिण में एक नया किला भी बना लिया था और पूरी किलेबंदी भी कर ली थी। कानपुर में क्रांति की बातों से ही अंग्रेजों में इतनी दहशत थी कि किसी झूठी अफवाह पर भी शहर के सब अंग्रेज अपने बीवी बच्चों को लेकर भागते और व्हीलर के किले में छिप जाते। 22 मई 1857 को नाना साहब अपनी सेना और तोपों को लेकर बिठूर से कानपुर आ गए। उन्होंने नवाबगंज में अपना डेरा जमाया। तीन हजार देशी और 100 अंग्रेज सिपाहियों के सेनापति व्हीलर ने बिना किसी विरोध के खजाने की चाबियां और तोपखाना उन्हें सौंप दिया। नाना साहब ने खजाने की रक्षा के लिए अपने 200 सिपाही पहरे पर लगा दिए। उस समय कानपुर की देशी सेना के मुख्य नेता थे सूबेदार टीका सिंह और सूबेदार शमसुद्दीन खान। 4 जून की आधी रात को 3 फायर हुए। यही क्रांति की शुरुआत की सूचना थी। सबसे पहले सूबेदार टीका सिंह घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े। फिर देशी पलटन के हजारों घुड़सवार और पैदल सिपाही मैदान में निकल आए। अंग्रेजों की इमारतों में आग लगा दी गई। उनके झंडे को हटाकर हरा झंडा फहरा दिया गया। 5 जून को नाना साहब की सेना भी क्रांति सेना से मिल गई। सब तरफ उनका कब्जा हो गया।
5 जून को कानपुर में दिल्ली सम्राट बहादुर शाह जफर के झंडे का जुलूस बड़ी धूमधाम से निकाला गया। नाना साहब को कानपुर का शासक चुना गया। नगरवासियों ने उनकी जय जयकार की और सबने नाना साहब का साथ देने का वचन दिया। 6 जून को सवेरे नाना साहब ने व्हीलर को खबर भेजी कि आज आप किला हमारे हवाले कर दीजिए वरना हम हमला करेंगे। लेकिन व्हीलर यूं मानने वाला नहीं था। उसने किला खाली करने से इनकार कर दिया, साथ ही मोर्चे की पूरी तैयारी भी की। 6 जून की शाम नाना साहब ने अंग्रेजों के किले पर हमला बोल दिया। उस समय कानपुर के लगभग सभी अंग्रेज स्त्री पुरुष और बच्चे किले में मौजूद थे। दोनों ओर से तोपें चलने लगी। दोनों ओर के सिपाही मरने लगे, घायल होने लगे। इस संघर्ष के दौरान कानपुर की जनता का हौसला बढ़ा हुआ था। महिलाएं भी बड़े उत्साह से जुटी हुई थीं। क्रांतिकारी सेना को गोला बारूद और खाना पहुंचाने के साथ साथ घायलों की सेवा भी कर रही थीं। इसमें कानपुर की एक वेश्या अजीजन ने तो कमाल ही कर दिया। एक अंग्रेज इतिहासकार लिखता है कि अजीजन हथियार बांधे घोड़े पर सवार बिजली की तरह दौड़ती फिरती थी। दनदनाते तोप के गोलों और बरसती हुई आग की परवाह न करके वो तोपचियों को गोला बारूद पहुंचाती, सिपाहियों को खाना खिलाती, दूध पिलाती और उनका हौसला बढ़ाती। अजीजन निर्भय होकर छावनी में घायल सिपाहियों की सेवा भी करती और गुप्त संदेश भी झटपट पहुंचा देती। क्रांति सेना का आक्रमण इतना जबरदस्त था कि किले के अंदर अंग्रेजों की लाशों के ढेर लग गए। उन्हें दफनाने तक की जगह नहीं बची। जो जिंदा थे उनका बुरा हाल था। किले में केवल एक ही कुआं था जो गोले गिरने से टूट चुका था। अंग्रेजों को पीने का पानी मिलना भी मुश्किल हो गया था। कई अंग्रेज हैजा, पेचिश और बुखार के कारण बीमार पड़ गए। उधर नाना साहब ने शहर के तमाम खास लोगों की सभा बुलाई और उनकी सलाह से शहर का शासन चलाने का इंतजाम किया। हुलास सिंह को मुख्य न्यायाधीश बनाया, फौज को रसद पहुंचाने की जिम्मेदारी मुल्ला को सौंपी, दीवानी के मुकदमों के लिए ज्वाला प्रसाद, अजीमुल्ला खां और बाबा साहब की अदालत बनाई गई। अंग्रेज इतिहासकार एम टॉमसन ने लिखा है कि नाना साहब की शासन व्यवस्था में नगर में पूरी तरह शांति थी। 18 जून और 23 जून को अंग्रेजों से फिर घमासान युद्ध हुए। आखिर व्हीलर ने घुटने टेक दिए। 25 जून को किले के ऊपर सुलह का प्रतीक सफेद झंडा लहरा दिया। तोपों ने गोले उगलना बंद कर दिया। अंग्रेज आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो गए। 26 जून को दोनों ओर के प्रतिनिधियों की बातचीत हुई। व्हीलर ने जैसे ही अंग्रेजी में बोलना शुरू किया, अजीमुल्ला खान ने उसे टोक दिया, हालांकि वो अंग्रेजी अच्छी तरह जानते थे। फिर बातचीत हिंदुस्तानी में ही हुई। 27 जून को किले पर बहादुर शाह जफर का हरा झंडा लहराने लगा। अंग्रेजों को हाथियों और पालकियों में बिठाकर गंगा घाट की ओर भेज दिया गया। 28 जून 1857 कानपुर नगर, छावनी और आसपास के तमाम इलाके से
अंग्रेजों का नामो निशान मिट चुका था। नाना साहब ने इस मौके पर एक बड़ा दरबार किया जिसमें 6 पैदल पलटने, 2 घुड़सवार पलटने, जमींदार और हजारों की तादाद में जनता आई। सबसे पहले सम्राट बहादुर शाह जफर के नाम पर 101 तोपों की सलामी हुई। इसके बाद नाना साहब को 21 तोपों की सलामी दी गई। नाना साहब ने इस मौके पर सबको धन्यवाद दिया। साथ ही फौज में 1,00,000 रुपए इनाम के रूप में बांटे गए। इसके बाद नाना साहब बिठूर आए, जहां वो 1 जुलाई 1857 को पेशवा की गद्दी पर बैठे। उनका विधिवत राजतिलक हुआ और नाना साहब धुंधुपंत पेशवा बन गए।